इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इंसान, जानवर, तमाम मखलूकात अल्लाह की है, लिहाजा कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो जानवरों को तहफ़ुज़ फराम करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें एनिमल रेस्क्यू कहा जाता है। ऐसे ही शख्स मौजूद है बेलगाम में, जिनका नाम है कलमुद्दीन शाह मकानदार। उम्र कम है लेकिन जानवरों के लिए वो बिल्कुल हर जगह पर, जहाँ पर भी कुछ होता है जानवरों को लेकर, तो वो दौड़ कर चले जाते हैं, उनकी मरम्मत, उनका इलाज करते हैं। इन्हें ये वैभव नगर से रब्ता रखते हैं, बेलगाम के ही हैं। वैसे तो बुनियादी तौर पर ये गुलबरगा थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बेलगाम में ही मुकीम हैं और यहीं पर वो पले बड़े हैं। कॉलेज अंजुमन में उन्होंने मुकम्मल किया है, लिहाजा इसी को उन्होंने अपना मकसद बनाया है। छोटी मोटी का तिजारत है इनकी, जो काकतीपुर स्टेशन के सामने जो है छोटी मोटी इनकी कैंटीन है, उसी से गुजारा करते हैं। और इसमें और एक बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उसी गुजारे में से वो जानवरों की देखभाल, जानवरों को खाना पहुँचाने का काम करते हैं। इस लॉकडाउन में भी सैकड़ों जानवरों को, खासकर कुत्तों को, उन्होंने अनाज पहुंचाया। जिन जानवरों को, यानी कि जो जंगली जानवर कहे जाते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको जहां पर भी वो एक्सीडेंट होता है या ज़ख्मी होते हैं, तो उनकी वो मरम्मत करते हैं। लिहाजा हमारे साथ आज वो मौजूद हैं, उन्हें कई सारे इनामात से भी नवाजा गया, शिवसेना हो या तो एक्स आर्मी मैन की जानिब से उन्हें नवाजा गया इनामात से, और इस काम के लिए उनकी हौसला अफजाई की गई। सबसे पहले कलमुद्दीन शाह मकानदार, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। बहुत एक अलग तरीके का काम है आपका, कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की और आगे इसमें क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों जानवरों को बचाने का जो काम है ये कलमुद्दीन शाह मकानदार अंजाम दे रहे हैं, ये वाकई काबिले सताइश, काबिले तारीफ काम। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल। तो लिहाजा आप बताइए कि आप काम कैसे शुरू किए और आगे क्या करना चाहते हैं। इसमें 5 या 6 साल पहले मैं हतरगी से आ रहा था जी, वो हाईवे का काम शुरू था, डांबर पड़ा हुआ था, डांबर में सांप अटका था। अब मैं उसको देख के वैसे चला जाऊंगा तो फिर मेरी इंसानियत ख़त्म। वो सांप है, उसका काटना उसका काम है, बचाना हमारा काम है जी। तो फिर कैसे करूँ, क्या करूँ बोल के बहुत सोचा, 20 मिनट तक मैं कुछ तो सोचा वहाँ पर। फिर बाद में फाइनली प्लास्टिक वगैरह लपेट के लिया, हाथ पे लपेट के लेके उसको पकड़ा, वो पकड़ा भी मुझे, बट मुझे कुछ लगा नहीं, उसको वैसे ही लेके वो लपेट के लिया, इधर लेके आया काकती वेटरनरी हॉस्पिटल है ना, वहाँ से उसका इलाज करा। इलाज करके फिर बाद में उसको सेकेंड डे छोड़े, हम लोग जंगल में छोड़ दिए, तो हो गया, वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मैंने बहुत सारे गाय एक्सीडेंट हाईवे पर, उनका ट्रीटमेंट किया हूँ वेंटिलेटरी हॉस्पिटल से, वहाँ से लेके जाके गौशाला में छोड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे रहना चाहिए जी, रोड पे नहीं। सही, ये सोच के उनको वहाँ से लेके जाके वहाँ पे छोड़ा हूँ। और बहुत सारे कुत्तों का इलाज भी किया हूँ, और नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना चाहिए बोलते, इसीलिए ना कभी भी फ़ोटो नहीं निकाला हूँ, बट इलाज किया हूँ, इंसानियत के नाते मैंने किया है इलाज, वो करना है, हर एक को करना है, ज़ख्मी है तो उसको करना है। ये हमारे नबी के सदके में बनी हुई दुनिया है, ये सब लोग जानते हैं। मैं उसी एक चीज़ पे अमल करता हूँ कि एक शहद की मक्खी बोलते हैं ना, फूल का रस चूस के लाती, फीका रहता है फूल, बट जब वो दरूद पड़ती है तो वो मीठा हो जाता है शहद। सही, तो उस एक कहानी से मैं एक चीज़ सिखाऊँ कि ये पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं ये सब हमारे नबी के सदके में है, तो इनकी हिफाजत करना भी हमारा काम है। जब वो बीमार होते हैं तो इलाज कीजिए, अभी एक्सीडेंट होता है तो ट्रीटमेंट कोई नहीं हाथ लगाते हैं, हम लोग को वैसे मैंने किया, बहुत सारे जानवरों का किया हूँ आज तक इलाज, 1.5-2 हज़ार के करीब करीब मैंने किया है इलाज, गायों का, भैंसों का, जिनको सांप काटा रहता है उनका भी इलाज किया हूँ। मैं अभी हाल ही में आपने जो है ऊँट, जो ऊँट वाले थे बलगाम में, तो एक ज़ख्मी ऊँट के ताल्लुक से भी आपका नाम आया, आपने उसका भी इलाज किया, मगरमच्छ भी आप जो है रेस्क्यू करने के लिए गए थे। तो इतने ख़तरनाक जानवरों को आप जब पकड़ने जाते हैं, तो उनके साथ आपका जब वाबस्ता आती है, आपका वास्ता आता है,
तो आपको कुछ खतरात वगैरह क्या है इस ताल्लुक से कभी आया है सर? क्योंकि आपने 1200-1300 के करीब करीब जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है, तो इस तरह का कुछ आया? स्टार्टिंग में लगता था डर, बट जब से दिल में सुकून मिला है तब से कभी भी नहीं लगा ऐसे। जी। दिल में सुकून कैसे मिला ये भी मैं बता देता हूँ आपको। एक दिन क्या हो गया था, एक जानवर प्रेग्नेंट था, उसको गाड़ी ठोक के गई, कोई भी नहीं उठाया, उसका इलाज किया मैं, इलाज करके हो गया, उसको मेरे पुराने घर के पास रखा था, इलाज करके छोड़ दिया। तो उस दिन रात में मैं ख्वाब में मदीने की ज़ियारत की, तो जो सीने में जो रोशनी आ गई ना, तब से मैं कर रहा हूँ ये करना है, हमेशा करना है। मैं तो बोलता हूँ कि सबको करना है, क्योंकि मैं अकेला हर जगह तक पहुँच नहीं सकता। सही सही सही। अभी अक्सर आप जो है हाईवे पर जो गाड़ियाँ आती जाती रहती उसी के जद में आ जाते हैं जानवर, तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता है, कैसे करते हैं आप? इमीडिएटली कॉल। अभी बहुत सारे लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जानवरों को उठाया, उन्हें देखे लोग, तो एनिमल लवर बोल के ना मेरा नाम सेव करके ना कोई भी एक्सीडेंट होता है तो मुझे कॉल आता है, तो फिर जाके मैं अटेंड करता हूँ, करके कागती हॉस्पिटल है ना, वहाँ से उसका इलाज करवाता हूँ, कभी इधर के हॉस्पिटल से भी करवाता हूँ, इलाज करते रहता हूँ। अपने लॉकडाउन में भी कई सारे जानवरों को खाना खिलाया? जी। तो वो कैसे खिलाती थी, क्या है उसको? जानवरों को डेली खाना, कुत्तों को वगैरह ना, जो नहीं मिल रहा था सभी बंद थे। जी। तो इसके लिए डेली खाना दिया, मे बी 38 डेज मैंने खाना दिया है, और वन डे जानवरों के लिए, वन डे बाकी इंसानों के लिए भी दिया है। अच्छा। खुद से? ये बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आगे क्या करना चाहिए बताइए, आपका क्या प्लान है आगे, क्या मंसूबा है? कि क्योंकि आप एक जानवर मुहिब माने जानवर, यानी कि आप जानवरों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आगे आपने क्या सोचा है कि किस तरह से इसमें आपने ये ट्रेनिंग हासिल कहाँ से की है? मैं फर्स्ट डोज आपको सांप का बताया। जी जी। वहाँ से, और चंद्रो डॉक्टर है, वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके पास खड़े रह के सीखा। अच्छा। कुछ चीज़ों को ना नहीं समझ में आ रहा था तो खड़े रह के सीखा, और जैसे करते गया वो एक्सपीरियंस अपने आप होते गए, ऐसे होकर सीख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कलमुद्दीन शाह मकानदार साहब, जो कम उम्र में उन्होंने जानवरों के तहफ़ जहाँ आज के अगर ज़माने में देखा जाए तो इंसान इंसान का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं, ऐसे वक्त में कलमुद्दीन शाह जैसे कम उम्र नौजवान जो एक मिसाल कह सकते हैं कि वो जानवरों की हिफाजत के लिए, जानवरों के इलाज के लिए, जानवरों को खाना पहुंचाने के लिए हमेशा संकर्म रहते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों की सराहना ज़रूरी है। आज बेलगाम शहर में है, बेलगाम के अंदर कई सारे ऐसे अफराद हैं जिन्हें हम हर हफ्ते एक शख्स को हमारे स्टूडियो में लाएंगे और उनका तारुफ आपसे करवाएंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।